हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आपके पास ना ही आधार कार्ड है और ना ही आधार कार्ड का नंबर है, आपको पता भी नहीं है कि आधार कार्ड पे कौन सा नंबर लगा है। ठीक है, अगर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर पता करना है ताकि आप लोग डाउनलोड कर सको एक ही तरीके से, तो चलेंगे फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे, डाउनलोड करके भी दिखाएंगे किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलेंगे फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को अपने गूगल क्रोम को इस तरीके से देन ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स अब आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, वहाँ पर आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सर्च। ठीक है, सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे सर्च करना है UIDI। ठीक है, UIDI सर्च करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको UIDIA, ठीक है, आपको इस तरीके से AI इस तरीके सर्च करना और यहाँ पे सर्च कर देना। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने सर्च कर दिया है। सर्च करने के बाद फ्रेंड थोड़ा सा वेट करेंगे और सो फ्रेंड सर्च करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे माई आधार। ठीक है, माई आधार पे इस तरीके से देन क्लिक करेंगे। आप लोग जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सेटिंग देखने को मिलती है रीड्राइव EID आधार नंबर। यहाँ पे देखने को मिलता है चेक हेयर टू फाइंड आउट आधार नंबर और इन्वॉल्वमेंट नंबर। ठीक है, या फिर इन्वॉल्वमेंट आईडी, आपको इन्वॉल्वमेंट आईडी अगर आपको चेक करनी है तो यहाँ पे ही आप लोग क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप लोग जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है नज़र। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फर्स्ट अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस है आपके पास तो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा है, इस कैप्चे को फिलअप करेंगे और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आपको मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये कैप्चा समझ ना आ रहा है तो आपको रिफ्रेश करेंगे इस कैप्चे से, देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका दूसरा कैप्चा आ जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से। तो कैप्चा आपको कम्फर्टेबल लग रहा है वही आपको कैप्चा डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो चलेंगे मैं यहाँ पर फर्स्ट बाई स्टेप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट नेम अपना डाल देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने डाल दिया। अब अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देना है। कैप्चे को फिलअप करेंगे, कैप्चे को ध्यान से फिलअप करेंगे 99 और 2। ठीक है, फिर 9 इस तरीके से, फिर R छोटी है स्मॉल में है। ठीक है, और फिर स्मॉल में AT। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको पहले सुजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे पहले ये आपका जो कैप्चा होता है वो आपका रिफ्रेश होता रहेगा। आपको ये नहीं कि आपका ये मेरे में आए आपके में आ जाए, नहीं, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जब तक इस तरीके से आपको हाईलाइट ना देखे इस तरीके से, ठीक है, तब तक आप लोगों को सेंड OTP का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हाइड मिलेगा, तो उसको आप लोग अभी नहीं करना है जब तक ये आपको हाईलाइट हो जाए तब तक। ठीक है, आपको सेंड OTP इस तरीके से क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो नंबर आपका लगा होता है उस पर एक OTP जाएगा, देख सकते हो OTP आ चुका है। मैं OTP को इस तरीके से देख लेंगे मैं, और ये OTP यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये है OTP, देख सकते हो। फिर हमें OTP डाल देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 7646 सॉरी 7 यहाँ डाल देता हूँ 7647। ठीक है, 47 डालेंगे, 7647 7647 82। ठीक है, आपको 82 डालेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके बाद सबमिट इस तरीके से क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आपका इस तरीके से रजिस्टर हो जाएगा और इसके बाद मैसेज आएगा, इस मैसेज को इस तरीके से क्लिक करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आपका आधार नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। लास्ट में मेरा यहाँ पे 30-38 दिखा रहा है। ठीक, आपका जो भी दिखाएगा आपको देखने को मिल जाएगा। यही आधार कार्ड को इस तरीके से नोट डाउन करेंगे, कहीं पे लिख लेना होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा या फिर इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। अब आपको मैं दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड करने कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक नया पेज ओपन करेंगे। ठीक है, अब पे आपको सर्च करेंगे माई आधार, माई आधार सर्च करेंगे और फिर से आपको माई आधार पे इस तरीके से क्लिक करेंगे।
देन क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आधार डाउनलोड या फिर डाउनलोड आधार, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। देन आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। आप लोग अपना आधार नंबर जो आपको मिला है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये पे कैप्चा आता है, ये कैप्चा को रिफ्रेश करेंगे, ये समझ नहीं आता है तो दोबारा से इस कैप्चे को आपको रिफ्रेश करके डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैप्चा में इस कैप्चे को फिलअप करेंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 3 5, ठीक है 3 5, और यहाँ पे देखने को मिलता है स्मॉल में यहाँ पे वी देखने को मिलती है और यहाँ पे देखने को मिलता है 4, ठीक है, फिर से 4 और यहाँ पे स्मॉल एन। ध्यान देना है फ्रेंड्स ये कैप्चा आपका बदलता रहता है, ठीक है, तो आपको ये नहीं किया कैप्चा मेरे में आया है, ये कैप्चा आपके में आए, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेंड ओटीपी इस तरीके से क्लिक करना है, जो आपका नंबर लगा होता है इसको वो इस पर एक ओटीपी गया, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करेंगे। देख सकते हो ओटीपी आया है 6429, ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे 6429, ठीक है, और फिर से देखना है और यहाँ पे आता है फिर 6429 और 46, ठीक है, और 46। इसका वेरीफाई डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है आधार कार्ड और ये आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। जैसे देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये आधार कार्ड सक्सेसफुल हो चुका है डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे देखने मिलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाता है। अब आपको डाउनलोड कर तो लिया है, अब ये बोल रहा कि आपको किस तरीके से खोलना, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। सो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे देखने को मिलता है द आधार लेटर PDF डाउनलोड विल बी इन 8 कैरेक्टर, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपके 8 कैरेक्टर होंगे, उसमें एक आपका पासवर्ड आपका होता है, ठीक है, तो आपको 8 कैरेक्टर डालने होंगे तभी आपकी PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा, मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। यहाँ पे देखने मिलता है कम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम, ये बोलता है कि आपके जो नाम होते हैं उसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं जो 4 लेटर आपको डालने होंगे, वो भी यहाँ पे देखने वाला, वो भी कैपिटल, इन कैपिटल, ठीक है, इन लेटर एंड ईयर, और आपके जो ईयर होती है इन वर्थ, और आपकी ईयर की जो वर्थ होती है, ईयर की जो वर्थ होती है, जैसे कि 2003 है, 2004 है, 2005 है, ठीक है, ये नहीं है कि 20 साल 2001 डाल दो, ऐसा नहीं है, आपकी लास्ट के जो 2001 चलती है, 2002 चलती है, 2003 2004 वही डालनी होगी। दिस देन यू ई आधार पासवर्ड इस इन्होंने इस तरीके से इनका आधार कार्ड का पासवर्ड बन जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, इनके 4 जो इनके नाम के वर्ड होते हैं वो उन्होंने कैपिटल में डाल दिए, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। आई मैं ओपन करके दिखा देता हूँ इसको, पहले इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब आपको अपना फाइल मैनेजर को इस तरीके से देन ओपन करेंगे और आपके यहाँ पे जो PDF होगी वो आपको डाउनलोड हो जाएगी। फिर PDF पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ये PDF आ जाती है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो पासवर्ड है, तो आपको अपना नाम डालेंगे, 4 डिजिट डालेंगे, जैसे कि अपना कैपिटल में डालना है, ठीक है, कैपिटल में डाल दिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। सो पासवर्ड क्लिक करके भी चेकआउट कर लेंगे फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे, मैंने कर दिया इसको। इसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे मैंने डाल दिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे 2001, ठीक है, मैंने अपना कैपिटल में नाम डाल दिया, इसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ईयर डाल दिया, इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग आधार कार्ड को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे इसकी कटिंग करा के आप लोग लैमिनेशन करा दीजिएगा और आपका आधार कार्ड यहाँ पे ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास कुछ नहीं था, ना ही आधार कार्ड था, ना ही आधार कार्ड का नंबर था, ना ही इनरोलमेंट ID थी, ठीक है, ना ही आपके पास पता थी कि कौन सा नंबर लगा, तो वो भी पता चल जाता है, सब कुछ यहाँ से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड बस यही आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप लोग जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।